Thank you. अरे वो देख कौआ। मेरे दाल के ऊपर है। तेरी दाल किधर गई? ऋतुराज मुझे भी पापड़ खिला दो। आप खुद ही ले लो, मैं झुकेगा नहीं। अरे ऋतुराज 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 वो देखो बुला रहे हैं। सर अच्छा जावेद सर। हाँ जी। आपने एक बात नोटिस किया? बोलिए। हमारे पवनदा जो है ना वो अभी से खाना परोसने की जो प्रैक्टिस है वो शुरू कर रहे हैं। अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था रे यार। और इनको देख के ना मुझे एक वो गाना याद आ रहा है ना 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 ना, ना बन के रहूंगा। शोएब यार ये ले। नहीं सर भाई तुझे नहीं, बहुत जरूरत है, तुझे कुर्सी हिलानी है। नहीं खाने की जरूरत उनको है। क्यों भाई? क्योंकि उनकी चेयर छिनने वाली है। जेंटलमैन ये है दुनिया की सबसे बड़ी जॉइंट फैमिली द सुपरस्टार सिंगर फैमिली। अगर दुनिया में आज जो हो रहा है उसके बावजूद हम हिंदुस्तानियों का रिश्ता आज भी हंसी खुशी और उजालों से है तो उसकी वजह है हिंदुस्तान में संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली की परंपरा जो 10,000 सालों से है। 5,000 साल पहले पांडव पुत्र हो या 7,000 साल पहले श्री राम का परिवार सब जॉइंट फैमिली में ही रहा करते थे। खुशी हो या गम सब साथ सहा करते थे। और इतिहास गवाह है कि जिसने भी संयुक्त परिवार की राह पकड़ी उसने राम रतन धन पाया। कट्टू आज भी न्यूक्लियर फैमिलीज की तुलना में आपको जॉइंट फैमिलीज में कहीं ज्यादा लोग खुश मिलेंगे। पूछिए जिंदगी के चटपटे किस्से तो जॉइंट फैमिलीज वाले ही कहानियों की झोली भर देंगे। इकट्ठे हंसना, इकट्ठे रोना, इकट्ठे खाना, इकट्ठे सोना, इकट्ठे घूमना, इकट्ठे रहना, इकट्ठे बांटना, इकट्ठे सहना। आज हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं द ग्रेट इंडियन जॉइंट फैमिली स्पेशल। और इस सुपर स्पेशल को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ आए हैं भारत के कोने कोने से रियल जॉइंट फैमिलीज के लोग। वाओ। बुलाते हैं आज के पहले कंटेस्टेंट को मिसेस साइली कांबले पाटिल। नमस्कार। नमस्ते। क्या खूबसूरत लग रही हैं आज। हाँ इस वक्त मैदाने सुर में किसे उतारना चाहती है? भैया मैं अभी समायरा को बुलाना चाहूँगी। ये ऐसी है जिसने कभी गाना नहीं सीखा है पर वो जब भी गाती है मतलब बड़ों बड़ों की छुट्टी कर सकती है ऐसा गाती है वो। इतना दिल से और इतना एक्सप्रेशंस के साथ गाती है। क्या बात है। तो मेरे टीम से मैं बुलाना चाहूँगी समायरा महाजन को। हेलो समायरा। हेलो भैया। बहुत ही प्यारी है समायरा। आज हम द ग्रेट इंडियन जॉइंट फैमिली एपिसोड सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपकी फैमिली कहाँ है? मैंने सुना आपकी बहुत बड़ी फैमिली है। मेरी फैमिली में मेरे दो दादी, दो दादू, चाचू चाची, मेरे दो कजन्स हैं जी, मेरे मम्मा पापा, मेरी छोटी बहन मैं। अरे वाह। और मेरे बुआ और अच्छा। उनके बच्चे भी हैं। तो चलिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हैं और साथ ही साथ HR के 4G कनेक्शन का भी और समायरा के फैमिली को वीडियो कॉल लगाया जाए। वाओ क्या बात है। हेलो नमस्कार। हेलो समायरा का परिवार। ओह माय गॉड। हेलो समायरा। हेलो कैसे हैं आप लोग? और आपके घर की सदस्य समायरा के चक्कर में आप सब टीवी पे आके फेमस हो गए। कैसा लग रहा है आप लोगों को?
अच्छा समायरा ऐसा बता रही हैं कि उन्होंने अपने घर वालों के लिए आज तक परफॉर्म नहीं किया है, यानी कि वो आज पहली बार आप सबके लिए परफॉर्म करने वाली हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को? वाह वाह वाह। आप लोगों को पता नहीं था कि ये गाती है इतना अच्छा? इसने कभी बोला नहीं हमारे सामने, ये बड़ी शाई नेचर की है। हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, हमारी ये बच्ची इतने बड़े स्टेज पे गई है। हमने ना न्यूज़पेपर में इसकी फोटो देखी, तो न्यूज़पेपर हमारा अभी कभी आया ही नहीं किसी का। हमारे मतलब महाजन फैमिली, हमारा परिवार बहुत बड़ा परिवार है, तो हमारी बच्ची इतनी शर्मीली बच्ची वहां जाके आपके सामने इतना इसको कॉन्फिडेंस आया, आप लोगों ने इसको इतना इनकरेज किया, बेटे हमें बहुत खुशी हुई है। और ये जो समायरा की बहन है जो पिंक ड्रेस में बैठी है, उनकी आंखों में आंसू थे, वो इतनी इमोशनल हो गई हैं समायरा को देखकर। हाय, उनका नाम क्या है? साइना। हाय साइना। साइना कैसी हैं? अरे आप इतनी इमोशनल क्यों हो गई समायरा को देखकर? मुझे बहुत खुशी है कि वो इतने बड़े स्टेज पे गए हैं, कभी मैंने उनको सुना नहीं है गाते हुए ज्यादातर। ओ वाओ, तो चलिए आज पूरा परिवार सुनेगा। मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। हाँ समायरा, आप मिस करती हैं साइना को? करती हूँ। कितना? बहुत ज्यादा। ओके समायरा, ऑल द बेस्ट, जॉइंट फैमिली रेडी हो जाए। बिरहा की चाई
क्या बात है। ये गाना इतना बड़ा है और ये इतनी छोटी है, ये आसानी से सबके बस की बात नहीं है। गाना मुखड़े के बाद जो अंतरा इसने पकड़ा है वहाँ से, तो इसने बहुत ही लाजवाब गाया है। थैंक यू मैम। समायरा बीतना बिताए रहना, बिरह के दाए रहना, बेदार अकेलों को दाद बेदाए रहना, बीतना बिताए। ये सारी चीजें कोई बच्चा करेगी अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा है यार। थैंक यू सर। एचआर बेटा अपनी स्टैंडिंग ओवेशन बचा के रखी है। स्टैंडिंग ओवेशन अगर मैंने तुम्हें नहीं दिया है तो उस डिवाइन एनर्जी के लिए वन मोर टाइम। थैंक यू सर। समायरा तुमने दुनिया खिलाड़ी। अच्छा साइशा, सबसे मिलवाओ हमको। हाँ जी, मेरे तीन मम्मा हैं और तीन पापा हैं। क्या? एक मेरी मम्मी, एक मेरी चाची मम्मी जिनको मैं छोटू माँ बुलाती हूँ, और एक मेरे दादी अम्मी जिनको मैं अम्मी बुलाती हूँ। ओह हाउ स्वीट, चाची मम्मी, दादी मम्मी, मम्मी मम्मी। और फिर? और ये मेरे पापा। हाँ जी। ये मेरे चाचू पापा और ये मेरे दादू पापा। नमस्कार। देखो वैसे तो साइशा बहुत प्यारा बच्चा है, ये हमारा बहुत शैतान बच्चा है, ये हमारे परिवार की दादी अम्मा है, ये सबको समझाएगी, सबको बताएगी ऐसे करो वैसे करो और शैतानियां भी पूरी करती है। वो तो हम लोग ने देख लिया, वो बहुत बड़ी दादी अम्मा है, यहाँ भी हम लोग इसको दादी अम्मा ही मानते हैं। ये आज भी हमें यही बता के आई है कि चाचू ऐसे आना है, ऐसे बोलना है, अच्छे से रहना है, ये करना है। मैंने कहा आप हमें लिख के दे दो फिर हम बोलेंगे। मैं मैम अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट फील करती हूँ, मैं खुद एक पहाड़ी लड़की हूँ, मैं देहरादून को बिलोंग करती हूँ। ओके। बट मेरी शादी पंजाबी फैमिली में हुई है, यहाँ पे आके मेरे को जो प्यार और बोलते ना मोहब्बत जो मिली ना, उसने मेरे को ओपन अप किया है, बिकॉज हम पहाड़ी फैमिलीज थोड़े से यू नो दबे हुए होते हैं, इतने ज़्यादा खुले नहीं होते। जब मैं इस फैमिली में आई शादी होके तो अरे पंजाबी फैमिली का तो पता ना सब, बिल्कुल दिल खुला हुआ रहता है उनका बहुत। बिल्कुल मैम बिल्कुल, जो प्यार प्रॉब्ली मैं डर के आई थी कि मुझे यू नो एज अ बहू एडजस्ट करना पड़ेगा, पता नहीं कैसे कर पाऊंगी या नहीं, जब मैं इस फैमिली में आई तो मॉम डैड उन्होंने जिस खुले दिल से मेरे को एक्सेप्ट किया, उन्होंने मोर सॉरी बोली बोली। ऐसी ऐसी बहू शायद हम खुद ढूंढते हैं तो हमें नहीं मिलती। वो इतनी प्यारी है, हमें अपनी बेटी से ज्यादा प्यारी है। क्या बात है, क्या बात। और ये छोटी सी साइशा है ना, जो जब से आई हुई है मैं ना मेरे को बिल्कुल बहुत मिस करती हूँ इसको, ऐसे लगता है कार की रौनक चली गई है जहाँ से। आप लोगों का ये प्यार देखकर बहुत दिल खुश हो गया और आप लोगों का प्यार ऐसा ही बना रहे हमेशा। थैंक यू। एक मिसाल है, आप लोग की पहाड़ी लड़की आई है पंजाबी फैमिली में और कितना आप लोग में आपस में लगाव है और प्यार है, कमाल है, बहुत अच्छा है।
अच्छा एक बात बताओ सायशा, तुम्हारे फैमिली में एक नया सदस्य जुड़ा है ऐसा कुछ आदित्य बोल रहा था, तो वो क्या कोई गुड न्यूज आने वाली है ऐसा कुछ है? हाँ, वो पवन भैया. पवन भैया? पवन भैया कहाँ से आ गए? मैम अच्छा पवन भैया की बात आई तो ये उठ गई. बात कर पवनो, तुम गुड न्यूज दे रहे हो और हमें बताया नहीं. ऐसे कुछ गुड न्यूज नहीं है. क्या बात है जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे कैप्टन पवनदीप पहाड़ों से हैं और बहुत शांत है, तो मैंने सोचा कि पंजाब में लोग बहुत खुले दिल के होते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं, एकदम खुले होते हैं वो लोग, तो क्यों ना उनको एक हफ्ता वहाँ भेज दिया जाए और वो एकदम अच्छे से थोड़ा सा अगर खुल सके वो वहाँ जाके थोड़ा सा इंजॉय कर सके. तो फिर खुले कि नहीं? मैम बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ पंजाब जाके, और बहुत बहुत प्यारे लोग हैं और बहुत ज़्यादा खुशी हुई. बस खाना बहुत ज़्यादा खिलाया, मतलब ऐसा लगता है कि दो हफ्ते का खिला दिया, और उसकी कुछ झलक है मैं आपको दिखाना चाहूँगा. वाओ जी, देखिए जरा. क्या बताऊं सर, दो इतना ज्यादा खिला दिया कि मतलब दो साल तक अब कुछ खाने की जरूरत नहीं है लग रहा है. जब वो गए थे वो पवनदीप राजन थे, जब वो वापस आए तो वो पवनदीप राजमा हो गए. मैम मैं एक और बात कहना चाहूंगी, हमारी पूरी फैमिली ने उन्हें भंगड़ा भी सिखाया है. पवनू को भंगड़ा सिखाया, एक हफ्ते पंजाबी फैमिली का हिस्सा बनकर आए हैं पवनू, और भांगड़ा नहीं सीखा तो क्या फायदा. आइए पवनू. राजा मिया छो यारी चंगी नहीं हो बीमारी, राजा मिया छो यारी चंगी नहीं हो बीमारी, इश्क न चढ़े कुछ भी पल्ले. क्या सीखे हैं पवनू, क्या बात है. अरुणिता तुमने पवनू को जॉइंट फैमिली में भेजा ताकि वो थोड़ा खुल जाए. जी. तो मेरा आसान सा सवाल ये है कि क्या वो खुला? थोड़ा थोड़ा हो रहा है धीरे धीरे. सर वो जितना भांगड़ा किया था वो पूरा ही खुला हुआ था मेरा, तो मतलब मेरे हिसाब से. सायशा अगली बार और अच्छे से तैयार कर देना. हाँ. सायशा अच्छा सा गाना सुनाओ. Okay. पवन के पटाखे से सायशा गुप्ता और सोए बाली. Yeah.
वाह पवन भैया वाह 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 क्या बात। तुम्हारी उम्र बहुत ही छोटी है अभी। मैं तो ये कहूंगा कि साइशा एक ट्रू परफॉर्मर है। सिंगिंग के साथ साथ तुम जिस तरह से एक एक अल्फाज को फील करके हानिकारक है हानिकारक है। और सोएब अली जैसे बहुत ही धुआंधार जो बहुत ही पुख्ता सिंगर है, पहला नोट जो उसका लगा, पहला सुर जो था वो ऐसा लगा था कि वहां पे ही रोंगटे खड़े कर दिए थे। दोनों के अलग अलग तरह के गाने गाते हैं, तो आपने ये जो एक ऐसा गाना निकाला जो दोनों को सूट हो जाए, ये बहुत अच्छी बातें हैं आप कैप्टन्स में कि आप लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करते रहते हैं जिसमें बहुत मज़ा आता है। जी मैम, मैं चाहता हूँ कि हमारी टीम के बच्चे जो हैं वो वर्सटाइल बने। सलमान अली बताइए आप किस को भेजना चाहेंगे? अब मेरी टीम से आ रही है हर्षिता और उनके साथ देने के लिए आ रहे हैं स्वयं मैं। अब वो छोटी बहन जिनके लिए उनकी उम्र की दूसरी बच्चियों के ऑपोजिट डिज्नीलैंड नाम का कोई हॉलिडे डेस्टिनेशन नहीं है, क्योंकि इनका डिज्नीलैंड तो इनकी बड़ी बहन ही है। इनके लिए वैष्णो देवी नाम का दरबार एक सपना है, क्योंकि सच तो यह है कि ये अपनी बड़ी बहन के सामने माथा टेक कर उसकी पूजा कर लेती है। मैं इस बार भी सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टैंडिंग ओवेशन के साथ स्वागत करें हर्षिता भट्टाचार्य का। हर्षिता आज आप बहुत क्यूट लग रही हैं। थैंक यू। और यहां पर एक लड़की है जो सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही है, कौन? जो यहाँ पे सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही है वो मेरी दीदी है। आज उसने मेखेला चादर पहना है। दिल की दालान में है छोटी छोटी सी खिड़कियाँ, झांकती है जिसमें दो पगली सी अखियाँ, तेरी मेरी सांसों की रेशमी सी डोरियां। काश सब बहनों में इतना प्यार हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखो स्माइल कर रही है, वो एंजॉय कर रही है। हाँ सलमान, जैसे आप स्टेज पे आते हैं और मैं अपनी बाई तरफ अगर नजर घुमाता हूं मैंने जी। आपको पिछली बार बताया था हाँ जी, सलमान भाई जब भी परफॉर्म करेंगे तो शोएब मेरी चेयर में बैठ के उनका परफॉर्मेंस देखेगा और ट्रेनिंग लेगा कैप्टन की, है ना? ठीक है शोएब। Thank you. Aha. धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, बना लो रोशनी से नूर के। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। शर्मा गई तो आगोश में हल्के हल्के, हल्के हल्के,
तुम्हारी टीम ने तो कमाल ही कर दिया है, हिस्टोरिक परफॉर्मेंस बेटा, आपने कमाल गाया, बहुत अच्छा गाया, सुपर्ब गाया, फैंटास्टिक गाया और दिल खुश कर दिया। हर्षिता तुमने दुनिया हिला दी। Uh-huh.
ऋतुराज, मुझे ऐसा लग रहा है आज एक नए ऋतुराज का जन्म हुआ है। थैंक यू सर। ये गाना एक ठहराव वाला गाना था, एकदम कंट्रोल्ड सिंगिंग, मतलब एकदम मैच्योर आदमी होता है ना, और वो सोच समझ के गाता है, ऐसे गाया है आपने, उसको सलाम है यार आपको। थैंक यू सर। और साथ ही साथ आपने जो वो जो बांग्ला में जो गाया है यार, एक केरला का बच्चा है, मलयालम उनकी मातृभाषा है, और वो बच्चा बंगाली में इतना खूबसूरती के साथ प्रोनाउंसिएशन आपका उसमें निखर के आया। यार मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप कितनी भी मस्ती करो लेकिन गाने में यार तुम्हारा कोई तोड़ नहीं है यार। वाह, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू। मैं सोचता रह जाता हूँ और ये मजबूर हो जाता हूँ कि खड़े होके ताली मारनी। थैंक यू सर। ऋतुराज, तुमने हमारे दिल को हिला दिया, यानी कि तुमने दुनिया हिला दी। ऐसा क्या खिलाया कि इनका पेट खराब हो गया? सर, मैंने कोयले का टिक्का बनाया था सर। और सर, मैंने काढ़ा सूप भी बनाया था। क्या सूप? काढ़ा सूप। शादी में काढ़ा सूप कौन बनाता है यार? सायली, तुमने कितने पैसे लिए प्रत्युष से? सर, मैंने उसको पैसे दिए उल्टा के, खाना मत बना अभी आगे। बेटा, ऐसी हेल्प किसी की मत करना प्लीज। अगली बार मैं इतना अच्छा बनाऊंगा खाना। अगली बार। हाँ, वैसे भी उनको बहुत शौक है शादी का। आइए जरा। दुनिया में रखा क्या है,
थैंक यू। शाली इसको तुम हमेशा अच्छे गाने देती हो, बहुत प्यारे गाने देती हो। इसका सिलेक्शन सॉन्ग का मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रत्युष खाना तो तुम क्या बनाते हो मुझे पता नहीं, लेकिन गाना बहुत मीठा गाते हो। थैंक यू। और साइली को भी एक भाई मिल गया है यहाँ पर, एक रिश्ता और जुड़ गया है। जजेस आज प्रत्युष ने साइली के लिए एक सरप्राइज रखा है, जहाँ वो भाई बनकर शादी की कुछ रस्में अदा करेगा। अगर आपने मेरी सहेली दीदी को परेशान किया ना, तो मैं आपको इतना परेशान करूंगा, इतना परेशान करूंगा आपने सोचा नहीं होगा। डोंट एंग्री योर सन। वेल डन प्रत्युष, प्रत्युष के लिए तालियां, कैप्टन साहिली के लिए तालियां, बहुत अच्छे। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? जो बच्चे ये देख रहे हैं, हम उसको ये बोलते हैं कि कभी अपने माँ बाप दादा दादी को छोड़ो मत। आए, आए, आए। एक माँ बाप चार बच्चे पाल लेते हैं, लेकिन चार बच्चों से एक माँ बाप नहीं पाले जाते। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आदि। जी सर। जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे माँ बाप हैं, वो हमारे घर की एक स्तंभ होते हैं, एक नींव होते हैं। वो हमारे लिए रात भर जगते हैं, अपनी नींद खराब करते हैं, और जब उनको हमारी जरूरत होती है, हम उनका साथ छोड़ देते हैं। देखो माँ बाप को, बुजुर्गों को कुछ नहीं चाहिए होता है, आपका पैसा नहीं चाहिए होता है, बस दो लफ्ज आप प्यार के उनके पास, उनके साथ बैठ के गुजार लें, दो लम्हे उनके साथ में बैठ के गुजार लें, बस ये किसी भी बड़ी दौलत से कम नहीं है उनके लिए। प्रांजल, वेरी स्वीट ऑफ यू यार, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हमारी नई जनरेशन आपसे प्यार और कंपैशन सीखे। ऑल द बेस्ट आपकी परफॉर्मेंस के लिए, और थैंक यू मैम एंड सर एक बार फिर से हमारे शो पे आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी।
किस बादल में कोई जाने जल, तुमने यार दिव्यता की सारी हदें पार कर दी है। इतना इतना बेहतरीन गाया, वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ ऑल टाइम। इतना क्लासिक परफॉर्मेंस है ये, फाइनेस्ट परफॉर्मेंस। ऐसा लगा कि कोई लेजेंड गा रहा है, लेजेंड। एक लाइन में सुपरस्टार सिंगर मिले सोनी चैनल मिले दुनिया में। दुनिया में एक ही प्रंजल, दूजा कोई ना। दुनिया में एक ही प्रंजल, दूजा कोई ना। प्रंजल तुमने दुनिया हिला दी। Yeah.
बाय। बहुत खूब। अगर मेरे दोनों उनकी इजाजत हो तो 100% इससे बेहतर कोई परफॉर्मेंस हो नहीं सकती। आउटस्टैंडिंग अरुणिता और आउटस्टैंडिंग कांजीलाल। थैंक यू सर। यस थैंक यू सर। तुमने दुनिया ये हिला दी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.